14 जनवरी साल 2000 मुझे याद है लखनऊ के अमीनाबाद एरिया में लिबर्टी सिनेमा में मैंने एक फिल्म देखी थी कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, कहो ना प्यार है। तो मेरी एक दोस्त ने चिल्ला के बोला था, देख लेना ये लड़का बहुत आगे जाएगा। वक्त बीता एंड नाउ द बॉय हैज टर्न इनटू अ मैन एंड फादर ऑफ टू किड्स। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसकी ललक, उसकी सनक और उसका जुझारूपन। प्रॉब्ली दैट्स व्हाई ही सो काबिल। आज ऋतिक रोशन और यामी हमारे साथ हैं। हाय, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग ऋतिक, आपका ट्विटर अकाउंट कहता है मैन ऑन अ मिशन टू लीड द बेस्ट लाइफ पॉसिबल, इसका क्या मतलब? सिंपल है, जस्ट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड आई वांट टू टेक लाइफ यू नो बाय द हॉर्न एंड लिव टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। So whatever that requires is something that I will keep practicing and keep learning. और मशहूर पोएट रूमी ने कहा था, What you are seeking, what you are seeking is seeking you. Is seeking you. So आपको लगा कि आपका आमना सामना हुआ जो आप चाहते थे उससे? Yes, yes. I believe it. I believe that all that I want is coming to me every single day. As long as I keep going towards it, it's also coming towards me. So no fear. अच्छा एक बात बताएं, आपके जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, हालांकि आपने आपकी फिल्म में तो वैसे भी बहुत आप मिडिल क्लास कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मिडिल इनकम मिडिल क्लास कैरेक्टर्स हैं, पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारा मिडिल क्लास है देश का, क्या आप उस जिंदगी से वाकिफ हैं, उन लोगों की परेशानियों से? जी चुका हूँ मैं, या जब मेरे फादर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो ही स्ट्रगल्ड फॉर सम 20 इयर्स इन हिज लाइफ। उस टाइम पे वी टू स्टे ऑन रेंट और मुझे याद है कि बहुत मुश्किल होता था फॉर माई फादर टू मेक एंड्स मीट और देर वॉज वन टाइम वेन वी डिड नॉट हैव द मनी टू पे द रेंट एंड वी हैड टू वेकेट आर होम। तो आई हैड टू गो एंड लिव इन माई मदर्स फादर्स माई ग्रैंड फादर्स हाउस एंड माई हाँ जी एम प्रकाश जी एंड माई फादर वेंट एंड लिव्ड इन हिज मदर्स हाउस। So the family, the kids stayed with my mother, and so I have a very मेरे जो grandfathers की जो stories हैं, मेरे father की जो story है, उससे एक grounding जो 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 मुझे मिली है, I think that has become the foundation of my life. I think whatever I am, whatever I do in my life, I have that sense of empathy for all of us because I know के बाहर से लग सकता है कि इसके पास बहुत है या यू नो इसके पास मुझसे ज़्यादा है, बट सच्चाई में हम सब के पास समान है, वी आर ऑल द सेम, डिपेंडिंग ऑन विच पॉइंट इन आर लाइफ वी आर लुकिंग एट द अदर पर्सन। समटाइम्स वी आर अप, समटाइम्स वी आर डाउन, बट वी आर इवेंचुअली गोइंग टू हैव द सेम राइड। सो दैट गेव मी अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग।